गाड़ी मिल चुका है तो रिजर्व में 700 रुपया में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मेरा फिर से एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। क्या लगता है आपको, नहीं लौटेंगे? अरे ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि मेरा जो है सिर्फ वॉच टाइम बाकी है और उसको कंप्लीट करने के बाद मोनिटाइज भी करना है ना। तो गाइस, अभी मैं 9:30 बज चुका है तो मैं अभी जॉक्सन में हूँ। तो गाइस, मेरे को जाना है गैंगटॉक, तो गैंगटॉक के लिए मुझे आगे तरफ गाड़ी मिल जाएगा। तो अभी मैं बस स्टैंड में हूँ, तो देख पा रहे आप, ये सिलीगुड़ी का जंक्शन बस स्टैंड है। तो मुझे जाना है गैंगटॉक, तो आगे मिल जाएगा मेरे को गाड़ी, छोटा गाड़ी सब होता है ना, टैक्सी सब मिल जाएगा, बोलेरो मैक्स वगैरह, तो उसी में बैठ के जाना है। तो हमको जो है गाइस लावा से घुमा के लेके जाएगा। तो मान के चलिए लावा से घुमा के लेके जाने से हमको 7-8 घंटा लग जाएगा। तो अभी 9:30 बजा है, तो अभी अगर गाड़ी मिल गया 10 बजे यहाँ से खुल गया तो कम से कम 6-7 बजे शाम को पहुँचा देगा, अगर रास्ता सही रहा, जाम नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं कितना देर तक पहुँचते हैं। और ये मेरा ब्लॉग है, देखना आप, ठीक है? ओके, चलिए। तो गाइस, यहाँ पे आगे एक होलसेल मार्केट है ना जंक्शन में, तो वहाँ से मैंने एक पैंट खरीद लिया, और नाइट पैंट कहता उसको, हाफ पैंट कहता, तो फिर आपको पहन के सोने के लिए ना आराम होगा ना, जीन्स वगैरह पहन के सोने में मज़ा नहीं आता ना गाइस। तो चलिए अभी डायरेक्ट गाड़ी में बैठते हैं। ओके, गाड़ी मिल चुका है गैंगटॉक के लिए, वाला गाड़ी है, फर्स्ट जाएगा। तो भैया हमको उधर जाने दीजिए, तो कि आप ही जाएंगे? ना ना, जाइए। तो गाइस गाड़ी में बैठ चुके हैं फाइनली, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। गाइस ये जगह देखो, खाली अम्बेक जगह का नाम है, लावा रास्ता से हम लोग जा रहे थे ना, तो चाय का बगान देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है आपको। देखो भाई व्यू, खाली देखो कितना मस्त है। तो इधर ट्यूब पॉइंट पे अभी हम लोग रुके, चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते, ठीक है? 10 मिनट के लिए ब्रेक मिला है, देखते क्या मिलता है। सुबह का तो कुछ खाए नहीं हम। क्या ऑर्डर किया? कॉफी। बाजार में हूँ, तो इधर गाड़ी का चेकिंग चल रहा है ना गाइस, तो किसी का लेबर कार्ड है, किसी का नहीं है। तो गाइस मेरा तो था तो मुझे छोड़ दिया, जिस जिसका नहीं है वो उन लोग बनाने के लिए गया है। तो इधर अभी हम लोग 10-15 मिनट रुकेंगे, उसके बाद डायरेक्ट गैंगटॉक जाएंगे। तो यहाँ से गाइस हमको 35-40 मिनट लगेगा गैंगटॉक पहुँचने में, ठीक है? तो उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद उधर गाड़ी देखेंगे क्या होता नहीं होता, मालिक को फ़ोन करेंगे। अभी गैंगटॉक आके पहुँच चुका हूँ, तो गैंगटॉक में अभी स्टैंड में हूँ देवराली में। तो गाइस बारिश इतना तेज हो रहा है ना यहाँ पे, मैं बाहर निकल भी नहीं पा रहा, अभी अंदर ही देख पा रहे, इधर स्टैंड के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। देख पा रहे आप, ज़ोरदार बारिश हो गया, ज़ोरदार बारिश हो रहा है। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना ना, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में ये हो रहा है।
और टाइम गाइस देख पा रहे हैं अभी 6:15 हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना है एनजी मार्ग से जाना है बाजरा से जाना है कभी, अभी बहुत दूर पहुँचना है गाइस, गाड़ी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो देखता हूँ अभी क्या होता है, मैं मालिक को फ़ोन करूँगा। ठीक है तो चलिए, मैं अभी सीढ़ी से चढ़ के ऊपर पहुँचता हूँ क्योंकि ऊपर से टैक्सी में बैठूँगा ना एनजी मार्ग के लिए, तो 30 रुपये लेता है, नीचे से 150 मांग रहे गाइस, तो थोड़ा ही दूर है ऊपर, 10 मिनट लगे पैदल चलते, थोड़ा शरीर भी हीट हो जाएगा ना, अंधेरा होने वाला है, क्लियर नहीं दिखता होगा आपको। चलिए पहुँचते हैं, इधर ही थोड़ा ऊपर जाना है, ज़्यादा दिन नहीं है, पहुँच गया हूँ यहाँ पे ऊपर स्टैंड में, यहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगा। तो इस गाड़ी मिल चुका है तो इसमें चढ़ लेते हैं। तो गाइस फाइनली गाड़ी मिल चुका है तो रिजर्व में 700 रुपये में, तो अभी चलते हैं, क्या करेंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे, 400-500 के लिए रुकेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए 700 में मिल गया तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, एक दो से दिन में क्या फ़ायदा है, तो चलिए चलते हैं, नहीं होने से तो मालिक को फ़ोन करने से गाड़ी भी भेज देता, ज़्यादा लेट होने से क्या फ़ायदा है, 600-700 रुपये करके उसका भी तेल जलेगा ना। तो गाइस चलते हैं, मिल के पहुँचेंगे वहाँ पर, बारिश हो रहा है बहुत तेज का गैंगटॉक में। तो गाइस आके पहुँच चुका हूँ मालिक का घर में, तो अभी टैक्सी जो है वो जा रहा है, तो फाइनली आके पहुँच चुके हैं मालिक का घर में। तो अभी मालिक का घर में मैं इधर, मालिक कह रहा था इधर एक लड़का और है उसके साथ सो जाओ, तो इसीलिए इधर ही मालिक का घर में हूँ मैं, अभी इधर ही मुझे सोना है ये बेड पे। तो गाइस बस इतना ही, खाना वाना मस्त खा लें, तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और एक बात बता दूँ, वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि कम से कम 1 महीना से ब्लॉग नहीं बनेगा, इससे 1 महीने के बाद ब्लॉग बन रहा है ना, तो भूल गया धीरे धीरे कि बोलना क्या है, तो चलिए मिलते हैं बाद में, ओके।